सेम प्लेस पे ऐसे एक मॉल जो हमारे घर के बहुत पास है। डीकैथलॉन से इस पार आए हैं अभी कुछ घर का सामान लेने। शॉपिंग इज स्टिल ऑन गाइस। सैटरडे संडे को थोड़ा ज़्यादा रश होता है बिकॉज ऑफ हॉलीडे, कॉर्पोरेट्स की हॉलीडे होती है और संडे को तो बाकी सबकी हॉलीडे होती है, बट आज उतना ज़्यादा रश नहीं है, ठीक ठीक है। अदरवाइज़ पहले जब एकदम लॉकडाउन खुला था तो पैरकने की जगह नहीं होती थी। शायद कोई नई कार लॉन्च हो रही है, होंडा की दो कार्स लॉन्च हो रही हैं। वेल, हमें तो लाइफ स्टाइल में जाना है, कुछ क्या नया आया है ड्रेसेस में, मेकअप में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी गहरी बेइज्जती कर देते हो, तुमको पता है ये बात। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? बहुत टाइम यार, लड़कियों के साथ ना जब तुम शॉपिंग करोगे ना उस दिन दिखाओगे कि किसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लड़कियों को या लड़कों को। और कुछ पसंद आया? नहीं, as usual, क्योंकि जो पसंद आता वो तुम लेने नहीं देते। मेरा गाइस इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला है। बोला था तो हम कहाँ जा रहे हैं? होम सेंटर, शायद वहीं पे कुछ पसंद आ रहा है। घर के डेकोरेशन से रिलेटेड, फर्नीचर, मतलब घर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हम सोच सकते हैं वो सब मोस्टली होम सेंटर में अवेलेबल होती हैं और अच्छी डील भी मिल जाती है होम सेंटर में। और ट्रेंडी चीज़ें भी होती हैं, हर तरह की चीज़ें, मतलब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो एक ही रूप के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको आपके होम को डेकोरेट करने से रिलेटेड, और मतलब एसेंशियल चीज़ें जो हैं हमारे घर के लिए। क्रॉकरी वगैरह, कुशंस, उनके कवर्स, पिलोज, सोफ़ा, बेड, अलमीरा, किचन से रिलेटेड फर्नीचर या चीज़ें से रिलेटेड, लैंप्स हो गए, फ्रेम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन से रिलेटेड जो हमें मिल जाती हैं यहाँ पे। अभी पहले बर्गर खा लो तुम, तभी मैंने बोला एक दिन ये लेना क्योंकि अभी का हो चुका है मेन्यू इसलिए। मील ले ली है अपनी, अब मिलते हैं आपको घर पे।
घर जाके खाएंगे, बहुत ज़्यादा सामान है और थोड़ा लेट भी हो रहा है। मिलते हैं, मिलते हैं। बताते हैं एक नई चीज़ ली है, उसका रिव्यू कैसा लगा हमें। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो हम जिम जा रहे हैं। रात को रिव्यू देना था आपको, पेरी पेरी राइस लिए थे बर्गर किंग से उसका, लेकिन वो इतने इतने अच्छे, इतने बेकार लगे कि मैं रिव्यू दे ही नहीं पाई कि यार छोड़ो इससे बहुत पेरी पेरी नाम का तो कोई मसाला ही नहीं था। उससे बहुत बेटर राइस, फ्राइड राइस, पेरी पेरी राइस मैं खुद बना लेती हूँ सीरियसली। मतलब वो एक बैड डिसीजन था, एक बड़ा ट्राई करने के लिए, पता करने के लिए नए नहीं थे कि क्या है कैसा है। चलो गाइस मिलते हैं फिर जिम के बाद। ये टी शर्ट हमने डिकैथलॉन से ली थी, काफ़ी सस्ती थी पड़ी हमें ये टी शर्ट, लेकिन और स्टफ भी अच्छा है इसका काफ़ी ना, स्पेसिफिकली फॉर रनिंग, जल्दी स्वेट को मतलब वो करती है, कम करती है ये, तो आप अच्छा अच्छी लगी मुझे ये टी शर्ट। का स्टफ भी बहुत लाइट है। Okay guys, we'll meet you again. Guys, this is gym. ये कार्डियो सेक्शन है, ऊपर वेट सेक्शंस हैं। ऊपर जाएंगे जब ऊपर का दिखाएंगे। This is the cardio section. अब थोड़ा जिम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। कैसा लग रहा है? इनकी लग चुकी है। हेलो गाइस, सुबह जिम करने के बाद इतनी थकान हो गई थी कि घर पे ही थे, लेकिन संडे है तो थोड़ा बाहर आए हैं, देखते हैं कहीं घूमने का जाने की सोच रहे थे। स्कूटर भी सर्विस के लिए डालना था एक, तो वो भी कर दिया है। और अब ये हमारे साथ वाले लोग मोमोज खा रहे हैं, ग्रेवी मोमोज, स्ट्रीट फूड खाते हुए ये लोग। ध्यान से देखिए इन्हें, वैसे जिम करते हैं। मेरे को बोलते हैं कि मैं फिटनेस के लिए सोचती नहीं हूँ, और खुद देखो जिम जाते हैं और फिर मोमोज खाते हैं। बताओ ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कितने उससे मतलब खाए देख रहे हैं उसको मोमोज को कि बस अब एकदम मुंह में पानी आ रहा है इनके। देखो शक्ल से पता लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है मोमोज खाने के लिए। खाओ खाओ बताओ टेस्ट कैसा है। बढ़िया, सुनाई नहीं दिया किसी को। बढ़िया है, मतलब स्ट्रीट फूड हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता होगा है ना। इन्होंने तो मोमोज खा लिए, अब हम चले अपने घर छोले चावल खाने मम्मी के हाथ के बने, क्योंकि मम्मी के हाथ की स्पेशलिटी तो मम्मी के हाथ के होते हैं ना, वो तो उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ अच्छा खा लो, लेकिन मम्मी के हाथ का तो बेस्ट होता है ना एज ऑलवेज। तो हम चले कहीं और, समझ नहीं आ रहा था, कल ही मॉल गए थे तो संडे है तो हम सोच रहे थे कहाँ जाएँ, तो चलो मम्मी के पास ही चलते हैं, मिल भी लेंगे, छोले चावल भी खा लेंगे। हम इतने बार हो चुके हैं ना गाइस, ये कहते हैं बस हमें मौका मिलना चाहिए कहीं भी जाने का, छोले तो बहाने हैं, लेकिन बस ऐसे ही निकल गए हैं, ये बाहर घूम रहे हैं। तुमने तो खा लिया ना, तो अब हम नहीं खाएं। और क्या कहते हैं, हमारी गाड़ी हमने छिन चुकी है, सर्विस सेंटर गई हुई है, तो हम ऑटो में हैं। हम ऑटो में आ गए वापस। छोले चावल खा लो फ्रेंड्स, मम्मी के हाथ के बनाए हुए। ये वाले लोग हैं, मतलब इतने बेशरम लोग हैं, अभी मोमोज खाए हैं और अभी चावल भी खाने लग गए, और वैसे ही फिटनेस फिटनेस चिल्लाते हैं। बताओ
फ्रेंड्स ये मेरी मम्मी है जिन्होंने छोले चावल बनाए थे। अच्छा ऑलवेज बेस्ट क्या देखते लेकिन कैमरा कॉन्शियस है, बहुत मुश्किल से इनको कैमरे पे लाया गया है। आई होप आगे भी आती रहेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी आप लोगों से। हेलो बोलते सबको। हेलो बाय। हम लोग आए थे यार पश्चिम बिहार, B1 जाना था और B2 पे उतर गए, अब B1 पैदल जा रहे हैं। बताओ ऐसे ऐसे काम होते हैं हमारे साथ और हम तीनों ही एक जैसे हैं तीनों। तो हम फाइनली सही मार्केट में आ गए हैं, वड़ा पाव खाने आए थे हम लोग। तो ये है निर्मल वड़ा पाव, और भी यहाँ पे शॉप्स हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये उधर एक ऊपर में एक रेस्टोरेंट है, ये इधर एक कॉफ़ी शॉप है। ये है यहाँ पे B1 में ये भैया की एक शॉप है निर्मल वड़ा पाव के नाम से। अभी टेस्ट करते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा है। स्विगी जोमेटो से भी ये डिलीवर कराते हैं। पश्चिम बिहार में B1 मार्केट में है ये इनकी शॉप। बड़ा पाव आ गया, एक प्लेट 70 रुपये का, जिसमें 2 बड़ा पाव हैं। तो इजीली आप 2 लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगी, और अगर आपको पूरा फुल खाना है तो आप एक प्लेट भी खा सकते हैं। बट रेट सही लगे मुझे, 70 रुपये का एक प्लेट है। अभी खा के आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। मुझे तो टेस्टी लगा बड़ा पाव, अच्छा है। इनसे पूछते हैं कैसा है, बताओ पूजा कैसा है। बहुत टेस्टी, यही लाई थी हमें आज यहाँ पे क्योंकि इन्होंने पहले भी खाया हुआ है, अच्छा है काफ़ी।